आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन द्वारा अभिनेत्री माया यादव का सत्कार। आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन द्वारा भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री माया यादव एवं अन्य समाज सेवियों का सत्कार अंधेरी रिक्रिएशन क्लब अंधेरी पश्चिम पर आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर बाबूलाल सिंह, संचालन कीलाचंद यादव ने किया। डॉक्टर जीत नारायण यादव ने अपने भाषण में आज के दौर में आयुर्वेद की महत्व को समझाया। तो मतलब प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण देव, प्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर उषा यादव, समाज सेवी श्रीकांत पांडे एवं व्यवसायी राजनाथ शर्मा को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया। पिज्जा पास्ता और पेप्सी जो लगे, दूध घी मक्खन बेकार हुआ, हमारा भोजन में कब्जा हुआ, भाषा में कब्जा हुआ, भेद में कब्जा हो गया। मैंने सोचा अपना मैं भी ठीक ठाक हो गया, मेरी बेटी लेके आई थी, मेरा जैकेट पहने ठीक लगते हो, मैं चलो इससे मैं वहाँ चला गया। अब आपके सामने योगाचार्य का जो जीवन का अनुभव है साथियों, स्वास्थ्य संबंध में यहाँ पे बहुत सारे चलाते हैं, वो डायरेक्टर हैं वहाँ के, जो योग इंस्टीट्यूट लाइवलीहुड प्लेजर रियलाइजेशन एंड सॉल्वेशन, good health is a fundamental requirement. Unfortunately, from the dawn of creation and time immemorial, humanity has been suffering from adi and vyadi. There are two types of suffering, vyadi, physical suffering, adi, mental suffering. How कि हम लोग खुद को समझते हैं, थोड़े पढ़े लिखे नेता है तो किसी विषय पर बोलने का हमारा सर्वोच्च अधिकार है, इस प्रकार से बात करते हैं। लेकिन जब मैंने डॉक्टर सत्यनारायण जी को सुना, यादव जी को, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मूल भाषा है, अभी मेरा नाम अरुण देव है, लेकिन देव भाषा में जान नहीं रहा था। मुझे लगा कि लाइफ में जो पहली गलती है, इंग्लिश थोड़ा बड़ा समझ लेते, हिंदी समझ लेते, मुंबई रहता हूं इसलिए गुजराती भी थोड़ी आ जाती है, क्योंकि चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। होटल में मैंने देखा, मैंने खाना भी खाया है, तो कुछ चीज़ें मुझे बड़ी आयुर्वेदिक लगी। आयुर्वेद का एक निचोड़ है, मुझे जी बोल भी गए कि चैत में गुड़ बैशाख में तेल, जेठ में महुआ साढ़ी पे पांडे, चैत में गुड़ बैशाख में तेल, जेठ में महुआ साढ़ी बेल, सावन दूध भादो मही, ग्वार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूछ धना, माघ में मिश्री पाटू चक, ये बारहों महीने में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फिर से सुन लें, आयुर्वेद का निचोड़ है चैत में गुड़ बैशाख में, दुर्भाग्य है कि हम चैत बैशाख भूल गए हैं। जनवरी मैं मतलब ये शेर इसलिए फिर बहुत हल्का है, माहौल हल्का करने के लिए है। हसीना ने घर बनाया मस्जिद के पास तो सारा शहर नमाजी बन गया। तो आज जो यहाँ पे हम मस्जिद ही समझ के आए, तो हम भी नमाजी बनेंगे, माया जी भी नमाजी बनेगी, क्योंकि हमें आयुर्वेद जैसे आयु का वेद है, जब हम अपने को नहीं जानेंगे तो हम दूसरों से कहाँ क्या पढ़ेंगे। बोलते हैं ना कि आपका जीवन साथी कौन है, तो जीवन साथी वो होता है जो आपके जीव के साथ रहता है। आप निकल गए, जीवन साथी निकल गया, ये तो कहने की बात है। जीवन साथी अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होता है। खैर विषय से बच आ रही हूँ, माया जी भोजपुरी फिल्मों की बहुत अच्छी अदाकारा हैं, लगभग 100 फिल्मों में इन्होंने काम किया है, और साल में खुद प्रोड्यूसर हैं, 3 फिल्में बनाती हैं, और वह भी पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही सौम्य मृदुभाषी और एडजस्टेबल। इनकी इसी क्षमता के कारण ये कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं, बड़ी सीधी सारी महिला हैं। तो अभी अखिलेश जी आए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष का, मुंबई प्रदेश का उपाध्यक्ष का पद दे दिया।